अब से कुछ घंटे बाद नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, खास तरह के विस्फोटक लगाए गए हैं, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल बिल्डिंग को गिराने के काम में जुटा हुआ है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तैयारियों को बार बार परखा जा रहा है, लास्ट मोमेंट टेस्ट हो रहा है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। इधर नोएडा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले बात नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर्स के बिल्कुल सटी हुई सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी की करेंगे। नोएडा प्रशासन ने इस सोसाइटी को पूरी तरह से खाली करने के आदेश दिए हैं, मतलब ब्लास्ट के दौरान यहां पर कोई भी परिवार नहीं रहेगा। वहीं ट्विन टावर के पास बसे 6 सोसाइटी को लेकर अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है। ये सोसाइटी है सिल्वर सिटी, पारसनाथ प्रेस्टीज, पारसनाथ सृष्टि, एल्डिगो, यूटोपिया, एसटीएस ग्रीन सोसाइटी। इन 6 सोसाइटी में 3000 से ज्यादा फ्लैट हैं। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन सोसाइटी के टावर की छत पर कोई नहीं जा सकेगा, मतलब ब्लास्ट के दौरान कोई वहां पर नहीं होगा। फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति भी नहीं होगी, कोई भी बालकनी में नहीं निकलेगा। बालकनी के दरवाजे और खिड़की बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि ब्लास्ट के दौरान घरों में धूल मिट्टी को जाने से रोका जा सके। बालकनी में कोई मलबा या पत्थर उड़कर आए तो भी कोई घायल ना हो। 28 अगस्त के दिन इन सोसाइटी में लोगों के आने जाने पर भी रोक रहेगी। ये रोक ब्लास्ट के दौरान और उसके बाद 30 मिनट तक रहेगी। ATS तिराहे से गेजाफल सब्जी मंडी तिराहा मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा एल्डिगो चौक से सेक्टर 108 की ओर डबल मार्ग और सर्विस रोड, श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक तक डबल मार्ग, श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर फरीदाबाद फ्लाईओवर और सेक्टर 128 में श्रमिक कुंज चौक तक फरीदाबाद फ्लाईओवर बंद रहेगा। ये सभी मार्ग सुबह 7 बजे से ध्वस्तीकरण यानी कि टावर गिरने तक बंद रहेंगे। यानी हो जाइए तैयार एक ब्लास्ट भरे संडे के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए ABP लाइव के साथ।